नमस्कार मित्रों, मैं हूँ विनोद। आज की इस छोटी सी वीडियो में आपके जीवन की दिशा बदल देने की शक्ति है, अगर आप चाहेंगे तो। मित्रों, सपने देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सपने देखेंगे तो ही वो सच होने के आसार है, अगर आप सपने ही नहीं देखेंगे तो सच क्या होगा। दोस्तों, दुनिया की सबसे बेहतर दवाई है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए जनाब, जिंदगी पर थकने ही नहीं देती है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नज़रिए का इलाज नहीं हो सकता। इसलिए आप अपनी सोच अच्छी रखिए और आगे बढ़िए। शरीर सुंदर हो ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। शब्द अच्छे बोलिए। आप पहला सबक यह है कि आप अच्छे शब्द बोलिए। लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। आपके मंजिल की लंबाई कितनी भी हो, आप पहला कदम तो रखिए, फिर धीरे धीरे मंजिल नज़दीक आते ही जाएगी। जिंदगी की राह पर कोई भी रास्ता अपनाओ, लेकिन एक बात याद रखना कि मंजिल की तक पहुँचने से पहले कोई पड़ाव नहीं है। आप किस भी क्षेत्र में, जो भी आपको पसंद है, आप उस क्षेत्र पे चलिए, उसमें कदम रखिए, लेकिन आप रुकिए मत उसमें, बीच में छोड़ के आप मंजिल आधे मंजिल पे पहुंचने से पहले रिटर्न मत होइए वहाँ से। दोस्तों, कुछ ख्वाहिशें नहीं है जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। बस आपके लक्ष्य में जो भी आपने पहला कदम रखा, दूसरा कदम उसे बेहतरीन, तगड़ा और मजबूत और भरपूर इरादे वाला होना चाहिए और आगे अच्छा ही होना चाहिए। मतलब जो भी आप पहले कर रहे हो, उस सेकेंड स्टेप उससे और अच्छा होना चाहिए। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आपको सवालों में उलझना नहीं है, दुनिया क्या कहेगी इस चक्कर में नहीं पड़ना है। आप खुद से, आपके अंदर अगर कुछ दुविधा फंस गया तो आप खुद अपने अंदर झाँक के अपने अंतर आत्मा से बात कीजिए, वहाँ से सही सॉल्यूशन मिलेगा आपको। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को समझ लेना बेहतर है। अगर आपको कहीं लग रहा है कि कोई कुछ छुटपटांग कर रहा है, वो उसको समझना आपके बस की बात नहीं है। आप जो कर रहे हो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन सामने वाला उसमें कुछ अलग ही बोल रहा है, तो आप खुद को समझ लीजिए। वहाँ उलझने से कुछ मतलब नहीं है, समय नष्ट होगा। लास्ट में, दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। और रास्ते चलते अगर कोई साथी आपका आपसे मदद मांगता हो तो उसको भी मदद कीजिए जरूर। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर इसको आप अपने जीवन में उतारेंगे, इस उक्ति को, तो मेरा विश्वास है कि आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वंदे मातरम। Thank you.